राजस्थान के बाड़मेर में रहने वाले भरत सरन, जो पेशे से एक डॉक्टर है, 50 विलेजर्स नाम की एक संस्था चलाते हैं, जो हर साल 50 गरीब बच्चों को मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी मुफ्त में कराती है। नमस्कार भरत जी, आवाज आ रही है मेरी? सर नमस्कार, प्रणाम, बाड़मेर से। आपके बारे में मैंने पढ़ा और बहुत अच्छा लगा। आप लोग जो काम कर रहे हैं वो बहुत बेहतरीन काम है। हम लोग ऐसे बच्चों को पढ़ाए जिसके पास पैसा नहीं हो, सरकारी स्कूल से पास आउट हो। पूरे साल में एक बच्चे पे खर्चा 27 से 30 हजार आता है। ऐसे बच्चों को पढ़ाएंगे जो बाड़मेर जिले के होंगे। हमारे बाड़मेर के अंदर या राजस्थान के अंदर जो सरकारी स्कूल है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जिस लेवल का होना चाहिए वो नहीं है। स्कूलों में फैकल्टी नहीं है। इंग्लिश मीडियम की स्कूल है, उन्हीं सरकारी स्कूलों को कन्वर्ट किया गया है, लेकिन इंग्लिश मीडियम जैसा वहाँ माहौल नहीं बन पा रहा है। एक मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले डॉक्टर भरत सरन सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों की परेशानियां बखूबी समझते हैं। 50 विलेजर्स संस्था की शुरुआत करने के पीछे की प्रेरणा उन्हें इसी बात से मिली है। 50 विलेजर्स संस्था को परिकल्पना करने के पीछे बचपन के स्कूलों में जो भी हमने अभाव महसूस किए, मार्गदर्शन को और सुविधाओं का अभाव महसूस किया, उस कारण से उसको स्टार्ट कर पाए। बहुत सारे डॉक्टर्स मेरे सीनियर से उनसे डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि हम लोग ऐसे बच्चों को पढ़ाए जिसके पास पैसा नहीं हो, कि डोनेशन की पूरी हम मदद करेंगे। इस तरह से 50 विलेजर संस्था की बनती है। इस समय हमने 50 विलेजर स्टार्ट किया, उस समय मैं MBBS का फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया था, मैं सेकंड ईयर में स्टूडेंट था। कुछ बच्चों ने विश्वास किया, 65 बच्चे मेडिकल कॉलेजों में, उनमें से 15 बच्चे एम्स से MBBS कर रहे हैं, रेलवे में है, एयरफोर्स में है, कोई भी बच्चा बेरोजगार नहीं है। 50 विलेजर्स संस्था ने देश को कई ऐसे टैलेंट्स दिए हैं जो आज अपने अपने क्षेत्र में काम करके देश की तरक्की में अपना योगदान दे रहे हैं। आज 75 साल हो गए देश को आजाद हुए और अभी तक हम अपने बच्चों को शिक्षा भी ठीक से नहीं दे पाए। मुझे पर्सनली ये लगता है कि ये एक ऐसी चीज है। दिल्ली में जब हमारी सरकार बनी उसके पहले मैं भी एक आम आदमी की तरह NGO चलाता था और मुझे ये लगता था कि ऐसा क्यों है कि स्कूल ठीक नहीं हो पा रहे, सरकारी स्कूल ठीक नहीं हो पा रहे, कुछ ज़्यादा ही मुश्किल होता होगा। लेकिन 5 साल के अंदर हमने जब दिल्ली में स्कूल ठीक कर दिए तो अब मुझे लगता है कि अगर सरकारें चाहें तो सारे देश की सारी सरकारें मिलकर 5 साल के अंदर देश की शिक्षा व्यवस्था